समरावता देवली उनियारा प्रकरण डॉक्टर किरुलाल मीणा पहुंचे गृह राज्य मंत्री के आवास। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से किरुलाल मीणा ने मुलाकात की है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछली सरकार में 2021 में जिले बनाए, तहसील बनाई, उपखंड कार्यालय बनाए, पुनः सत्ता में आने की दृष्टि से घने लोभ दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा थे। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की है, समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं, ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहां कामी चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहां जलाया, कहां तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है, 35 मोटरसाइकिल, 7 9 चौपहिया वाहन, जिनमें 2 सरकारी, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा, गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल, 7 बाकी सब बाहर की। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे, इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं, और ये सिद्धांत सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्होंने कहा गया वो एक आदमी हुआ, इन्होंने तय किया, निर्णय लिया है, बताओ भाई, जो भी हमारे यहाँ दुर्घटना जो हुई थी उनका, मेरा नाम शंकर लाल मीणा है, ग्राम समरावता में रहता हूँ मैं। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी, तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है, वो हमारे को अब कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है, और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारे मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हमारे गाँव के अंदर कोई फालतू राजनीतिक नहीं होने देंगे। जो हमारी मांगे थी, हमारी मांगे, एक पहली मांग थी हमारे को देवड़ी उपखंड से हटा के उनगेरा में जोड़ा जाए, हमारी वो मांग पूरी हो गई। हमारी दूसरी मांग थी कि जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए। तीसरी मांग थी हमारी तो जो हमारे गांव में नुकसान हुआ है और जो औरत पर अत्याचार हुआ है उनका पैसा मिलना चाहिए, और जिसने भी औरत पर अत्याचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग थी। चलो ठीक, मेरा सवाल पूछो। तो देखिए,
एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला, जिस मामले को लेकर डॉक्टर किरणलाल मीणा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम, लोकतंत्र में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आप इन सब से पूछ सकते हो, इनके अगल बगल के गांव में किसी में भी कहीं भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आपको सुनाई दे रहा है, हल्के फुल्के हो रहे हैं, इतना तो लोकतंत्र में चलता है। डॉक्टर साहब, 11 बजे की घटना थी, उसके बाद में रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ये जांच का विषय है, इसलिए डिविजिलेंट कमिश्नर इसे पूरे प्रकरण की जांच करके सरकार को रिपोर्ट देगा, तदनुकूल सरकार कार्रवाई करेगी। क्यों लग रहा था जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मामले की, पहले क्या वजह थी? ये हमने बात की तो जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए हमने टाल दी कि वो बहुत समय लेती और न्याय समय पे नहीं मिलता तो लोग अधीर हो जाते, इसलिए तय किया कि संभागीय आयुक्त से एक सीमित समय में जांच करवा ली जाए और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। भाई साहब, नरेश मीणा के थप्पड़ मारने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा, अगर मैं होता उनकी जगह तो 3-4 थप्पड़ मैं भी लगाता। देखो, इस देश में बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कैसे उनकी जीभ को रोका जा सकता है? उनका नजरिया ये है, हमारा नजरिया ऐसे नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। ऐसा हो, गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हिंसा करी, पुलिस वालों ने घरों में आग लगाई, बाइक्स में आग लगाई, गाड़ियों में आग लगाई, अब ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कौन करेगा? जो संभागीय आयुक्त हैं वो जांच करेंगे? संभागीय आयुक्त करेंगे। आपको ध्यान होगा कि मेरे साथ उदयपुर में इसी ढंग का पुलिस ने घसीट कर मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया था, तो उसकी जांच तत्कालीन सरकार ने चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को दी थी, इसलिए जल्दी कार्रवाई हो जाए। उस दृष्टि से हमने खुद ने तीनों मंत्री ने तय किया है कि बजाय जुडिशियल इंक्वायरी के संभागीय आयुक्त स्तर का सीनियर अफसर इसमें जांच करे। एक तरफा क्यों? क्योंकि दोषी कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, नरेश मीणा हो, उसके समर्थकों या फिर प्रशासन के लोग, ये तो सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दो समाजों का मुद्दा बन के रह गया है। नहीं, कहीं कोई समाज का नहीं है, ये जाट से बैठे हैं, मैं मीणा हूँ, ये गुजर हूँ, ऐसी बड़ी कई समरसता देखिएगा आपने, तीनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। इसको जाति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी स्तर से। जो मारने वाला है वो मीणा है, चाटा खाने वाला है वो जाट है, दोनों समाजों की प्रति से कोई ऐसी एडवर्स प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी। कोई इसलिए करवाओ सर, ये जो कमेटी है, ये कमेटी क्या चुनाव आयोग को भी इसके बारे में रिपोर्ट देगी? नहीं, चुनाव आयोग का काम अलग है। चुनाव आयोग अगर कमेटी बनाता, निर्देश देता, तो चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट देती, ये सरकार को ही रिपोर्ट देगी और जो भी दोषी आएगा होगा उसकी कार्रवाई करेगी। कितने दिन में वैसे ये रिपोर्ट तैयार करना? अब ये हमें मुख्यमंत्री जी से और इतना सा लेना है, 6 महीने का 8 महीने 3 महीने 4 महीने, और कौन करेगा ये अब हम तीनों मुख्यमंत्री से मिलकर ये भी आपको बता देंगे। धन्यवाद, उसके बाद फिर मिल लेंगे। इस तरीके से आपने बताया कि इसमें पुलिस वाले भी दोस्त हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं, सीएम साहब से मुलाकात किया जाएगा, आदरणीय द्वारा चिन्हित किया जाएगा मुख्यमंत्री। मेरी बात सुनो पत्रकार जी, ताली तो दोनों हाथों से बजती है, अब फिर मेरा डॉक्टर साहब कैसा बोलते हैं मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हरदेव जोशी जी एक मुख्यमंत्री हुए थे हमारे, तो यूँ ताली बजाते थे, क्योंकि बेचारा उनके हाथ नहीं था एक हाथ नहीं था, आपका जब जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। कुछ पुलिस की गलती होगी, कुछ आंदोलनकारियों की होगी, उसका दूध और पानी का पानी सरकार कर देगी जांच करके। हमारी मनसा बिल्कुल खराब नहीं है, सरकार साफ नीयत से इनको भरोसा दिया है, और आगे भी कोई इनकी मांग होगी हम पूरा करेंगे। जनहित के मुद्दों में भजनलाल सरकार पीछे नहीं है, क्विकली एक्शन लेने वाली सरकार है। हम तुरंत पहुंच गया ना, मैं और तुरंत इनको यहीं मिला दिया और तुरंत इनको आज मिला रहे हैं, तो जनता का संतुष्ट करने का तरीका यही है। अब उसमें मैं तो भाई देखो, मुख्यमंत्री या ये कमेटी के लोग ही बता सकते हैं, मेरे को तो जानकारी नहीं होगी। आपने आश्वासन दिया था भाई, कौन
आपने 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आपने युवाओं का आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को मिलवाएंगे। आज मिल रहा हूँ ना, आज दो चीजों में, इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी बात मुख्यमंत्री जी से करेंगे, और वो जो वो लड़की जो डिंपल में उसका सीबीआई को पत्र लिखाएंगे हम आज ही मुख्यमंत्री से। यहाँ तो जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, बदलने का कोई काम नहीं है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये कह रहा जो उस आंदोलन में जो पत्रकार घायल हुए थे उनसे आज तक मिलने नहीं गए, यार क्या कारण? मेरी बात सुनो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे 4 बार बात कर ली है ना, और मैं उनको कैमरा भी दे रहा हूँ, फिर भी आप मेरे खोपड़े में पत्थर मार रहे हो, कोई दिन मिलने नहीं गए, ऐसा तो मतलब। सवाल डॉक्टर साहब, ये जो कमेटी है, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ पॉलिटिकल सपोर्ट था, ये सब जानते हैं, तो क्या उसकी भी जांच करेगी कि इसका किसका हर एंगल की किसका हाथ था, कौन किसके पीछे था, हर एंगल की कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि समरावता देवली उनियारा प्रकरण पर उन्होंने बातचीत की, और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार में जो नए जिले बनाए गए थे उसको लेकर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि बिना किसी रिसर्च के और बिना उस जानकारी के कि क्या नुकसान और फायदा होगा इन जिलों के गठन के बाद, इसको बिना सोचे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय चुनावी फायदा उठाने के लिए कांग्रेस सरकार ने उस समय इन जिलों का गठन किया, लेकिन इनसे नुकसान हुआ, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिव्यू भी कर रही है। लेकिन 9 निर्दोष लोगों को समरावता के प्रकरण में जब पकड़ लिया गया था, उसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठन के आवास पर पहुंचे थे, तब भी प्रेस वार्ता की थी और उन लोगों के साथ पहुंचे थे। 8 गांव को न्यारा में शामिल किया जाएगा, ये भी किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, और ये भी बताया कि उस समय की जो स्थितियां थी उनका पहुंचना उस समय इसलिए जरूरी वहां पर था क्योंकि लोगों ने उन्हें सुना भी, और उसके बाद जो नुकसान हुआ था जिसमें 35 बाइक 7 कारें और पुलिस के वाहन समेत कई और चीजें शामिल थी, उसको लेकर भी आकलन उन्हीं के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समरावता को उनियारा में शामिल करने का फैसला किया गया है, ऐसे में 8 गांव को उनियारा में शामिल किया जाएगा, 9 निर्दोष लोगों को छोड़ा गया है उस प्रकरण में, क्योंकि पुलिस ने इन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया था, ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। और कहा कि जो नुकसान हुआ था उसका भी आकलन किया गया है, पत्रकारों के नुकसान का भी आकलन किया गया है, उनको मेरे ओर से भी उस नुकसान की भरपाई के लिए राशि स्वीकृत किए जाने की बात, और साथ ही साथ सरकार से भी इस पक्ष में बात की जाएगी।